नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एबकस क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चों को ये करना चाहिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। एबकस एक ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है। एबकस से बच्चे का दिमाग तेज होता है। कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे एबकस क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनसे कोई भी मैथमेटिक्स का आप सवाल करें तो वह कुछ ऐसे ऐसे करते हैं और आंसर दे देते हैं, जिससे हमें यह लगता है कि एबकस से मैथमेटिक्स इंप्रूव होता है और एबकस एक मेंटल मैथमेटिक्स की एक्टिविटी है। नो डाउट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर एबकस का जो सबसे मेन बेनिफिट है वह है ब्रेन डेवलपमेंट। इससे बच्चे का दिमागी विकास होता है। अब क्योंकि एबकस को करने का तरीका मैथमेटिक्स से होकर गुजरता है, इसलिए बच्चों की कैलकुलेशंस मेंटल मैथमेटिक्स अच्छी होती है। एबकस से बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन लेवल में भी बहुत वृद्धि होती है। एबकस एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चों का मैथमेटिक्स का डर भी दूर होता है। और एबकस को करने के लिए सबसे बेस्ट एज 5 से 14 साल मानी जाती है। 5 से पहले या 14 वर्ष के बाद अपने बच्चों को एबकस ना ही करवाएं तो बेहतर है। 5 से 14 एक ऐसी एज ग्रुप मानी गई है जिसमें बच्चे का दिमागी विकास होता है, इसलिए इस एज में एबकस करवाना सबसे बेहतर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्निकली मैं आपको एबकस टूल पर ले जाऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एबकस एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी से हम जानेंगे कि विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है। मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप आंखें बंद करके क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपके घर में किचन कहां है, आपके घर की दीवारों का रंग कैसा है, क्या आप आंखें बंद करके ये सोच सकते हैं कि आपके घर में टीवी कहां पड़ा हुआ है, रेफ्रिजरेटर कहां पड़ा हुआ है। तो लाजमी सी बात है आप आंखें बंद करके यह सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में सोच सकते हैं और मुझे सही सही बता सकते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि आप आंखें बंद करके मुझे बताएं कि 28 + 97 - 55 + 336 कितना होता है, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे? जबकि नंबर भी आप बचपन से देख रहे हैं, नंबर से हमारा बचपन से ही गहरा नाता रहा है, पर फिर भी हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नंबर्स को दिमाग में स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल होता है। जबकि एबकस टूल की मदद से हम कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अपने दिमाग में सोच सकते हैं। और जैसे हमारे दिमाग में सारी चीजें स्टोर हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, पापा मम्मी की पिक्चर्स, बॉलीवुड एक्टर्स की पिक्चर्स, और जो भी हमारी रेगुलर लाइफ में हम डेली बेसिस पर चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, विजुअली देख करके एक्सपीरियंस करते हैं, वह हमारे दिमाग में अच्छे से स्टोर है। जबकि नंबर भी हम बचपन से ऑलमोस्ट डेली ही देखते आ रहे हैं, पर उन नंबर्स को हम विजुलाइज नहीं कर पाते क्योंकि उन नंबर्स का कोई आकार, कोई इमेज, कोई फॉर्मेशन नहीं है। एबकस आपको अलाउ करता है, इस पर आप सम की प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ समय बाद इसकी लगातार प्रैक्टिस से यह टूल बच्चे के दिमाग में आ जाता है। और फिर जब आप उसे कोई सवाल पूछते हैं तो वह आंख बंद करके इस एबकस को अपने दिमाग में इमेजिन करता है, और जब भी आप कोई नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए बोलेंगे तो वो इस पर इमेज ड्रॉ करेगा, और जिसके बाद वह आपको परफेक्ट आंसर बता सकता है। मान लीजिए मैंने आपको अपना नाम बताया और फिर उसके बाद अचानक से हम 2 साल बाद मिलते हैं, तो आप यह भूल जाएंगे कि मेरा नाम क्या है।
पर कहीं ना कहीं आपको ये याद होगा कि मैं इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं मिल चुकी हूं या मिल चुका हूं। इसे ही विजुअलाइजेशन कहते हैं। इस टूल पर जब बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता है और एबेकस सीखता है तो कुछ समय बाद इस टूल को वह छोड़ देता है, क्योंकि इसे छोड़ने के बाद ही वह इस एबेकस को अपने दिमाग में इमेजिन कर सकता है। एबेकस को कॉन्सेंट्रेशन बिल्डिंग एक्टिविटी भी कहा जाता है, क्योंकि जब बच्चा एबेकस करता है तब उसकी मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। एबेकस करने से बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन लेवल में भी बहुत इजाफा होता है। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट है, एबेकस करने से बच्चों के मन में मैथ्स के प्रति जो डर है वो दूर होता है, क्योंकि एबेकस इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड विजुअलाइजेशन। बच्चे की जो मगअप करने की, क्रैम करने की, रट्टा लगाने की प्रॉब्लम है दूसरे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, इन सब में वह रट्टा लगाना भी काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि जब भी वह उस टेक्स्ट को पढ़ता है तो उसकी इमेजिनेशन स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, जिसे जब भी वो कोई टेक्स्ट पढ़ता है तो उनकी उसकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी अपने दिमाग में बना लेता है, जिसकी वजह से बच्चों में मगिंग हैबिट्स काफी हद तक दूर की जा सकती है।